नहीं, छोटे पेड़ में देखो आम लगा हुआ है, बॉन्साई। अच्छा, ये सजावट में आता भी है? इंडोर में, आउटडोर में चलता है। अच्छा, फल भी लगा हुआ आम का? तोता परी आम है। अच्छा, तोता बारी का, ये भी सेल आउट के लिए है भैया। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहित मोरा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट को देखते हुए आज हम आम के पौधे नहीं ना कि बल्कि हम जो है छायादार वृक्ष और फूलों के पौधों के बारे में जो है यहाँ पे वीडियो बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जस्ट हमारे पीछे है न्यू सुपर नर्सरी यहाँ पे, और यहाँ पर जो है आपको फूलों के पौधे मिल जाएंगे और जो है छायादार पौधे मिल जाएंगे। उसके बारे में आपको जो है यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ, दिखाऊंगा कौन से पौधे कितने रेट में यहाँ पे उपलब्ध हैं, कौन कौन से पौधे हैं ये भी बताऊंगा। और मुझे तो पता नहीं, भैया के साथ मिलूंगा तभी वो बता पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करें तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लीजिए। तो बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो ये है बोर्ड लिखा हुआ है न्यू सुपर नर्सरी और प्रो मोहम्मद चांद। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ, हमारे यहाँ आम, अमरूद, नींबू, कटहल, फलदार, फूलदार, छायादार पौधे मिलते हैं। तो ये यहाँ पे एड्रेस और नंबर लिखा हुआ है। चलते हैं भैया जी के पास और बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं फूलों के। तो चलिए भैया से बात करते हैं, भैया जी उनको बताएंगे कौन से पौधे किस रेट में यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो सामने हैं भैया जी, उनसे बात करते हैं। चलिए, हेलो भैया जी, कैसे हो भैया? बढ़िया भैया जी। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद चांद है। अच्छा, भैया जी का नाम मोहम्मद चांद है। भैया जी, आपके पास कौन कौन से पौधे उपलब्ध हैं? देखिए, हमारे वहाँ तो आउटडोर, इंडोर, शो प्लांट, फ्लावर, फ्रूट की सारी वैरायटीज, सारी वैरायटीज। तो कुछ हमको पौधे दिखा दीजिए ताकि जो है देख सकें लोग। देख लीजिए, हमारे पास देखिए वेरिएटेड क्रिस्टल पाम भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये कौन सा पौधा है? ये बॉन्साई है। बॉन्साई। अच्छा, ये सजावट में आता भी है? इंडोर में, आउटडोर में चलता है। अच्छा, ये किस रेट का जाता है वैसे? ये मिलता हमारे वहाँ ये 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक मिल जाती है। अच्छा, 300 रुपए का एक पौधा? फुटकर में या थोक में? नहीं नहीं, ये फुटकर होलसेल में कम रेट लगता है। अच्छा अच्छा, महंगी आती है। अच्छा अच्छा, महंगा आता है। इसमें फूल भी निकलते होंगे? फूल नहीं आता, बस ऐसे शो प्लांट में है। अच्छा, बॉन्साई तैयार बहुत टाइम में होती है। अच्छा, बहुत टाइम में लगता है। अच्छा, ये यहाँ पे कौन सा पेड़ है, इसमें फल भी लगा हुआ आम का? ये तोता परी आम है। अच्छा, तोता बारी का, ये भी सेल आउट के लिए है भैया, ये भी बेचने के लिए। ये किस रेट का होगा? ये पड़ेगा 600 रुपए का। 600 रुपए का फल फ्री होगा ना इसका? अच्छा, चलिए और पौधे दिखा दीजिए इधर। इंडोर की वैरायटी लगी हुई है सब। अच्छा अच्छा, सारी ये नेट के इतनी भी लगी है, सब इंडोर की वैरायटी। अच्छा, इंडोर की वैरायटी है। फ्लोट रंगान वगैरह। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जितने ये पौधे हैं सबसे लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी तक कितना जाएगा? यहाँ हमारे यहाँ 30 रुपए से लेके 150-200 रुपए तक पौधा मिल जाएगा। 150-200 रुपए तक मिल जाएगा टोटल जितना ये इंडोर वाला है? हाँ, इंडोर वही 30 रुपए से लेके। अच्छा, 150-200 रुपए तक, 200 रुपए से मिलते हैं। अच्छा, और आम के भी आपके यहाँ पौधे उपलब्ध हैं? मिल जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटीज मिल जाती हैं आपके यहाँ? आम की लगभग सब वैरायटी मिल जाएंगी, ऑल टाइम वगैरह बाहर से आता है, आम्रपाली, सोनडायका, ये बाहर से आती है। अच्छा अच्छा, सब मिल जाएगा। अच्छा, ये पीछे का आपका जितना है ये आप ही का है? काफी बड़ी नर्सरी है आपकी। चलिए, फ्रूट की वैरायटी सब पीछे लगी हुई है। अच्छा, फ्रूट आप दिखा दीजिए चल के। अच्छा भैया, ये वाला पौधा कौन सा है? ये वाला पौधा, ये मोनिस्ट्रा बोलते हैं। मोनिस्ट्रा। अच्छा, ये भी जाता है उसे 100 पीस में? अच्छा 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 भैया, आप ऑर्डर वगैरह लेते हैं जैसे कि पार्कों में या सड़क के किनारे जैसे बीच में पौधे वगैरह लगाए जाते हैं इसका? हाँ, वो लॉन वगैरह, गार्डन वगैरह हम लोग खुद तैयार करा देते हैं। अच्छा, खुद तैयार करते हैं। वो घास भी लगाते होंगे? सब लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, साइड है जो है और कितने भी रोड साइड पौधे सब। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर सब फ्रूट की वैरायटी लगी हुई है, 12 मासी, नींबू वगैरह, चीकू, लीची। अच्छा, दिखा दीजिए चल के वहाँ पे, चलते हैं। अच्छा, चीकू का पेड़ है ये? चलिए आगे। कौन सा? ऑल टाइम मैंगो। ऑल टाइम मैंगो। अच्छा, ये कैसा पौधा जाता है, किस रेट में? ऑल टाइम मैंगो हमारे वहाँ मिल जाएगा 80 रुपए से लेके 200 रुपए तक। 80 रुपए से लेके 200 रुपए तक। अच्छा, इसमें छोटे छोटे पेड़ों में सब आम लगे हुए थे। अच्छा, इनमें आम लगे हुए थे? अच्छा हाँ, ये लगा तो है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है। अच्छा, इतने छोटे पेड़ में देखो आम लगा हुआ है,
अच्छा में बहुत जल्दी, ये 3-4 बार लगातार फलता है। अच्छा साल में 3-4 बार लगातार फल जाता है। अच्छा तो अच्छा इसके साइज कितने बड़े हो जाते हैं पेड़? साइज का छोटा रहता है क्योंकि जल्दी से ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लगता है ना। अच्छा अच्छा इसलिए इसका साइज छोटा रहता है। अच्छा ये गमले में भी फलता है। अच्छा गमले में, मतलब कि शहर वाले ये लगा के फल खा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 12 मासी नींबू लगा हुआ। अच्छा 12 मासी नींबू, ये किस रेट का भी आ जाता है? ये देखिए फल वाला बड़ा साइज मिलेंगे 200-250 रुपए मिलेगा। अच्छा अच्छा उसी का छोटा बिना फल वाला होगा तो हाँ। आपको 70-80 रुपए। अच्छा मिल जाएगा। ये साल में 2 बार फल देता है? 2 बार फलता है। अच्छा 2 बार, 6 महीने में 1 बार। देखिए इसमें सब छोटा फल भी लगा, बड़ा फल भी लगा। हाँ हाँ लगे तो है, देखिए बड़े फल भी लगे हुए हैं, छोटे फल भी आ रहे हैं। हाँ हाँ ये देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है। ये उसमें गमले में भी लगा सकते हैं आराम से। चलिए और देखते हैं भैया। कुल मिला के आपके यहाँ सारे वैरायटीज यहाँ पे उपलब्ध हैं? देखो कितनी बड़ी नर्सरी है, वहाँ से लेके पूरा आप ही क्या ना भैया? अच्छा अच्छा आपके यहाँ पॉट भी उपलब्ध हैं? अच्छा गमले भी मिल जाएंगे, अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ पे आके पॉट भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप पौधे भी यहाँ से ले जा सकते हैं। अच्छा 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 तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर देखिए आम के पौधे लगे हुए हैं, अमरूद के भी हैं और नींबू के भी हैं उधर, और सारे यहाँ पे पौधे उपलब्ध हैं। ये देखिए सजावट के लिए ये यहाँ पे पौधे आपको मिल जाएंगे, इधर ये भी पौधे हैं और इधर ये आप देख सकते हो, इधर ये छोटे छोटे पौधे यहाँ पे देखिए पन्नी में लगा हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। इधर आपको गुलाब का पौधा मिल जाएगा और भी हैं, बहुत सारे यहाँ पे पौधे उपलब्ध हैं जी भैया। चलिए देखते हैं इधर कौन सा है भैया? मौसमी है। अच्छा मौसमी, अरे पेड़ उखड़, ये देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है, इसमें फल भी है। अच्छा भैया इसके मतलब कितना समय हो गया इसको? छोटे से गमले फलने लगती है। अच्छा इसको हो गया होगा 6 महीने हो गए कि नहीं भैया? साल भर का पौधा है। अच्छा साल भर का पौधा है। अच्छा चलिए, अच्छा भैया ये किस रेट में जाता है? इसे कौन सा मोर पंखी है? अच्छा मोर पंखी, इसे मोर का चारा भी बोलते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम लोग नहीं, वो विद्या कहते हैं ना इसको हम लोग। हाँ ये किस रेट का जाता भी है भैया? इसकी देसी वैरायटी आपको इतना ही बड़ा पौधा मिल जाएगा 50-60 रुपए का। अच्छा अच्छा देसी का छोटा वाला साइज मिल जाएगा आपको 25-30 रुपए में। 25-30 रुपए 100 रुपए की। अच्छा अच्छा वाली है। चलिए चलिए इधर से निकलते हैं, उधर थोड़ा और वैरायटीज देख लेते हैं। चलिए भैया आप आगे चलिए। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं घर की सजावट के लिए या गार्डन के लिए, कौन सा स्नेक, ये स्नेक वैरायटी है आप देख सकते हो इधर। अच्छा भैया सर्दियों में अगर यहाँ पर हम आए तो काफ़ी ज़्यादा फूल खिले मिलते हैं? सर्दियों में बहुत वैरायटी मिल जाती है। हाँ अच्छा पूरा वहाँ तक जो है, वहाँ तक आपका पूरा है, बहुत बड़ी नर्सरी है आपकी। चलिए इधर आप देख सकते हो, ये कौन सा मिर्चा है क्या? अच्छा मिनी चांदनी मिर्चा जैसा पौधा है ये बिल्कुल, ये आप देख सकते हो मिनी चांदनी। अच्छा अच्छा हाइट नहीं होती है, छोटे पर से ही जो है फूल निकलने लगते हैं। अच्छा ये आप देख सकते हो इधर सजावट के जितने भी पौधे हैं भैया जी के पास सारी वैरायटीज उपलब्ध हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक देख सकते हो। और ये देखिए अगर आप जो है गमले वगैरह पॉट टांगने के लिए वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, ये ऊपर आप देख सकते हो टंगे हुए हैं एक तरफ से। अच्छा भैया इस पेड़ को क्या बोलते हैं, इस पौधे को कौन सा? बेबी क्रोटन। बेबी क्रोटन, क्रोटन ये देखिए बेबी क्रोटन यहाँ पे पौधा है, इसमें भी फूल निकलता है कि ऐसे ही रहता है? अच्छा सो प्लांट है। चलिए अच्छा अलमंडा, चलिए देख जितना ही सब लगा हुआ सब एक जोरा है। अच्छा सब एक जोरा है, मिनी एक जोरा, चाइनीज एक जोरा टाइप। अच्छा सारी एक जोरा है, कलम मिल जाएंगे इसके। अच्छा अच्छा चलिए ये देखिए यहाँ पर भी सजावट के सारे, ये कौन सा है? अलमुंडा। अलमुंडा ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल फूल उसके तरह लग रहा है, कनेर की तरह बिल्कुल। तो आप देख सकते हो ये देखिए अलमुंडा का वृक्ष, ये देखिए इधर।
चलिए भैया, इस पे व्हाट्सअप चालू है ना आपका? हाँ व्हाट्सअप चालू है। अच्छा चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोई लेना चाहता है पौधे घर की सजावट के लिए तो आ सकता है, यहाँ की मैं लोकेशन दे दूंगा, भैया का नंबर दे दूंगा, आप जो है कॉल करके या मैसेज करके यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, बाकी आम के पौधे लेना हो वो भी आपको मिल जाएंगे, ए टू जेड वराइटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, हमने न्यू सुपर नर्सरी दिखाई। पहले के वीडियो जो थे वो थे आम से रिलेटेड, आम के पौधे उपलब्ध थे, लेकिन इस वीडियो में हमने कुछ अलग दिखाया है। इस वीडियो में अगर आपको घर की सजावट करना है या गार्डन सजाना है या किसी को पार्क में पौधे लगवाना है सजावट के पौधे, वो इस सुपर नर्सरी से आप ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किस्में हैं, मतलब कि सजावट के पौधे एक तरफ से अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे सजावट के पौधे उपलब्ध हैं। भैया जी का नाम और नंबर मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप आप उनसे मैसेज कर सकते हो, जितने भी पौधे चाहिए भैया जी आपको दे देंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट के चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाला है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर जाना मत भूलें।